बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई एम ए केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ख़ास खसूसियत देता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। जिस तरह हर इंसान का चेहरा इंसान की बॉडी को ख़ास खसूसियत देता है और एक अलग पहचान देता है, तो हम इंसान के चेहरे को उसकी बॉडी का फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग पहचान और ख़ास खसूसियत देता है तो उसे हम उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें पहले कंपाउंड में क्लोरीन इसका फंक्शनल पार्ट है, इसका एक्टिव पार्ट है और ये एक एटम है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और ये इस पूरे कंपाउंड को एक ख़ास खसूसियत और एक अलग पहचान दे रहा है। और यहाँ डबल बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड को एक ख़ास खसूसियत और अलग पहचान दे रहा है और इसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस पूरे कंपाउंड को अलग खसूसियत दे रहा है। तो ये सारे इनके फंक्शनल पार्ट हैं या फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह इंसान का जहन फंक्शनल पार्ट ऑफ बॉडी होता है तो इसी तरह ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये फंक्शनल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पूरे कंपाउंड में क्लोरीन इसका फंक्शनल पार्ट है। यहाँ क्लोरीन ही डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन में किस तरह पार्टिसिपेशन करता है ये कंपाउंड और किस सॉल्वेंट के साथ इसका बिहेवियर किस तरह होगा। यहाँ हाइड्रोक्सिल डिसाइड करेगा क्योंकि ये इसका फंक्शनल पार्ट है और फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस एन ऑर्गेनिक फैमिली। जिस तरह इंसानों की पहचान के लिए फैमिलीज होती हैं, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान और आइडेंटिफिकेशन के लिए फैमिलीज बनाई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो ये पूरा कंपाउंड अल्काइल हैलाइड फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है तो ये पूरा कंपाउंड अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है। ये कंपाउंड अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और ये कंपाउंड अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फैमिलीज को डिफाइन कर रहे हैं। Now we will discuss common functional groups in organic compounds. यहाँ टेबल में यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, यहाँ टाइप ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ सुफिक्स और प्रीफिक्स, यहाँ एग्जाम्पल दी हुई हैं इन और फंक्शनल ग्रुप्स की और यहाँ इन एग्जाम्पल्स के नेम दिए हुए हैं। अगर हम पहला फंक्शनल ग्रुप देखें तो जब दो कार्बन आइटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो ये अल्कीन टाइप ऑफ कंपाउंड होगा और इसके लिए जो परीफिक्स और या सुफिक्स यूज़ होगा वो ईन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है यहाँ पे और ये इसका नाम है इथीन। दो कार्बन की वजह से इसे एथ कहते हैं और अल्कीन फैमिली होने की वजह से इसके नेम के एंड में ईन आ गया है। नेक्स्ट अगर दो कार्बन के एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अल्काइन टाइप ऑफ कंपाउंड होगा और इसके एंड नेम के एंड में जो सुफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ होगा वो आइन होगा, YNE। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो दो कार्बन होने की वजह से एथ
और यहाँ एक छोटी सी चेंजिंग कर लें, यहाँ वाई एन ई आएगा यानी इथाइन, और इसका कॉमन नेम है एसीटाइलीन। यहाँ पर जब कार्बन के साथ डायरेक्टली ओ एच ग्रुप अटैच हो जाए यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो अल्कोहल टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, और इसके लिए जो सुफिक्स या परिफिक्स यूज़ होगा वो ओल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल Si3OH, Si3 की वजह से मिथाइल और OH की वजह से अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है और सिस्टमेटिक या आयोपैक नेम इसका मैथनॉल है। और इसी तरह जब दो कार्बन एटम के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए तो ये ईथर टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, इसके लिए जो सूफिक्स यूज़ होगा या परिफिक्स यूज़ होगा वो ईथर ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल दो मिथाइल के दरमियान जब ऑक्सीजन आ जाए तो डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह जब कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन एलिमेंट आ जाए या हेलो एलिमेंट आ जाए तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड को हेलो एल्कीन कहते हैं, और इसके लिए जो सुफिक्स या परिफिक्स यूज़ होगा वो हेलो यूज़ होगा। और हेलो फैमिली में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बरोमीन ये सारे हेलो फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर देखा जाए तो CH3 के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है तो इसका जो नाम होगा क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम अटैच है, जब कार्बन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम अटैच हो जाए तो इसे अमाइन फैमिली कहते हैं, और इसके लिए जो परिफिक्स या सुफिक्स यूज़ होगा वो अमाइन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल Si3, Si2 और इसके साथ डायरेक्टली NH2 अटैच है तो ये इथाइल अमाइन होगा, इथाइल Si3, Si2 की वजह से और NH2 की वजह से अमाइन। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। याद रखिएगा कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन यानी सी डबल बॉन्ड ओ के किसी एक तरफ लेफ्ट या राइट साइड पे या दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा, और इसके लिए जो सूफिक्स यूज़ होगा वो AL यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल Si3, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच एथानल, और कॉमन नेम है इसका एसीटल्डिहाइड। नेक्स्ट है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, यानी अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए या अल्काइल ग्रुप आ जाए दोनों तरफ तो वो कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगा, और इसके लिए जो सुफिक्स यूज़ होगा वो ओन होगा। इसके लिए शर्त ये है कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन का होना लाजमी है, जब कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो वो कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Si3 सिंगल बॉन्ड Si3, तो इसका जो नेम है प्रोपानॉन और कॉमन नेम है इसका एसीटोन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच हो जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, और इसके लिए जो सुफिक्स यूज़ होगा वो ओइक एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल Si3 सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच एथानोइक एसिड, और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है एस्टर, जब कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच हो और उसके साथ हाइड्रोजन की जगह कोई कार्बन आ जाए तो ये एस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके लिए जो सुफिक्स यूज़ होता है वो ओएट है। फॉर एग्जाम्पल Si3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड Si3 मिथाइल एथानोएट, मिथाइल ये और एथानोएट इस वजह से, तो मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है। और जब कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली एन अटैच हो जाए तो इसे अमाइड कहते हैं, और इसके लिए जो सुफिक्स या परिफिक्स यूज़ होता है वो अमाइड ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल Si3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2 एथन अमाइड और एसिड अमाइड। एथन अमाइड इस वजह से क्योंकि यहाँ दो कार्बन हैं, और अमाइड इस वजह से क्योंकि दूसरी कार्बन कार्बोनिल कार्बन है और उसके साथ NH2 अटैच है, इस वजह से इसका नाम एथन अमाइड और कॉमन नेम एसिड अमाइड होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।